హలో ఫ్రెండ్స్, వెల్కమ్ ఇన్ కోయినాస్ కిచెన్. ఆజ్ కి రెసిపీ హమారీ హై షాహీ పనీర్. తో చలియే దేఖతే హై. షాహీ పనీర్ బనానా బహుత్ ఆసాన్ హై ఔర్ బహుత్ స్వాదిష్ట్ బన్తా హై యే. తో చలియే దేఖ్ లేతే హై ఇస్కే లియే హమే క్యా క్యా చాహియే. యహాన్ మైనే సబ్సే పహలే లియా హై ఫ్రెష్ పనీర్. యే 200 గ్రామ్ పనీర్ హై ఔర్ ఇస్కో మైనే చకోర్ టుకడో మే కట్ కర్ లియా హై. दो चम्मच फ्रेश मलाई, जो अपने घर के दूध में मलाई आती है वो मैंने ले ली हुई है. दो मीडियम साइज़ के प्याज लिए हैं, उसको लंबाई में कट कर लिया है. और दो टमाटर लिए हैं, इसको भी मैंने कट कर लिया है. खड़े मसालों में तेज़पत्ता, 3 लौंग, 2 छोटी इलायची और 1 स्टार, जिसे हम जावित्री भी बोलते हैं. मसालों में हमें चाहिए हल्दी पाउडर, धनिया पाउडर, नमक, देगी मिर्ची, गरम मसाला और लाल मिर्ची पाउडर. तो चलिए बनाना स्टार्ट करते हैं. यहाँ मैंने पैन रख लिया है गैस पे. अब मैं इसमें मस्टर्ड ऑयल का यूज़ कर रही हूँ, सरसों का तेल. आप अपनी पसंद का कोई भी रिफाइंड तेल, घी, कुछ भी यूज़ कर सकते हो. तो ऑयल हमारा लगभग गर्म हो गया है, इसे हम अच्छे से गर्म करेंगे ताकि इसकी स्मेल ना आए. सबसे पहले मैं इसमें डाल देती हूँ लौंग, 1 तेज़पत्ता और 1 स्टार अपना. और उसके बाद इसको थोड़ा सा हम भून लेंगे. छोटी इलायची, खड़े मसाले मैंने सब डाल दिए हैं और इसको हम अच्छे से 1 मिनट के लिए भूनेंगे. अब हम इसमें डालेंगे अपना कटा हुआ प्याज. तो कटे हुआ प्याज मैंने ये डाल दिया है और इसको हम 2-3 मिनट तक अच्छे से भून लेंगे. बहुत ज़्यादा हमें इसे भूनना नहीं है, बस हल्का सा सॉफ्ट हो जाए प्याज, इतनी देर हम इसको भूनेंगे. प्याज सॉफ्ट होने लगा है ये. अब इसमें हम मसाले ऐड कर लेते हैं. बस इतना ही सॉफ्ट हमें करना है. अब हम इसमें मसाले ऐड कर लेते हैं. नमक डालूंगी मैं, 1 चम्मच नमक, 1/2 चम्मच देगी मिर्ची, 1/2 चम्मच लाल मिर्ची पाउडर, 1/2 चम्मच हल्दी पाउडर, 1 चम्मच धनिया पाउडर. अब इन मसालों को 1-2 मिनट के लिए भून लेते हैं थोड़ा सा, ताकि इसकी जो कच्ची स्मेल है वो चली जाए. अब हम इसमें ऐड करेंगे कटे हुए टमाटर. इसमें थोड़ा सा पानी ऐड करके हम इसे थोड़ा अच्छे से जैसे सॉफ्ट करके पका लेंगे. सॉफ्ट होने तक पकाएंगे हम इसे. ये मैंने थोड़ा सा पानी ऐड कर दिया है. अब मैं इसको ढककर 1-2 मिनट के लिए पका लूँगी, ताकि टमाटर भी अच्छे से इसमें गल जाए. अब चेक कर लेते हैं हम टमाटर हमारे अच्छे से गले हैं या नहीं. ये काफ़ी हद तक सॉफ्ट हो गए हैं. अब और 1-2 मिनट इसको मैं पका लेती हूँ. कलर देखो कितना सुंदर आ रहा है टमाटर का. ये बनाने में बहुत आसान है और इसका टेस्ट जो है वो आपको बहुत ही अच्छा आएगा. ये देखिए टमाटर बिल्कुल हमारे पक चुके हैं. अब मैं फ्लेम को कर दूंगी बंद और इस पूरे मिक्सचर को हम ठंडा होने तक रखेंगे और फिर इसको ग्राइंड करके हम पेस्ट बनाएंगे.
तो चलिए इसको देखिए, काफ़ी हद तक हमारा मिक्सचर जो है वो ठंडा हो चुका है। मैं इसमें से तेज़पत्ता और स्टार इसको हम निकाल देंगे, क्योंकि जितना हमें इसका फ्लेवर चाहिए था वो इसमें आ चुका है। अब हम इसे मिक्सर ग्राइंडर में डालकर स्मूथ पेस्ट तैयार करेंगे। ये अभी थोड़ा गर्म लग रहा है, मैं इसको और थोड़ा सा ठंडा कर लेती हूँ। ये हमारा मिक्सचर ठंडा हो गया है। अब मैं इसमें ऐड करूँगी 2 चम्मच मलाई। ये फ्रेश मलाई है जो जनरली घर में हमारे दूध के ऊपर आती है, तो ये मैंने ले ली हुई है। इसके 2 चम्मच डाल के हम इसे भी साथ में ग्राइंड करके स्मूथ बिल्कुल पेस्ट तैयार कर लेंगे। ग्राइंड करने के लिए अगर ज़रूरत पड़े तो आप इसमें पानी ऐड कर सकते हो साथ में। तो देखिए, ये हमारा स्मूथ पेस्ट रेडी है, ये इस तरह का हो जाएगा। अब हम इसको जिस पैन में हमने ये मिक्सचर तैयार किया था, ग्रेवी को अपने तैयार कर रहे थे, उसी पैन में मैं इसको डाल दूंगी। अब इसको 1 मिनट थोड़ा सा इसी तरह से मैं भूनूंगी, और इसमें ज़रूरत के हिसाब से आप पानी डाल सकते हो। जितनी थिक ग्रेवी आपको पसंद है आप उस हिसाब से रख सकते हो। मैं इसमें थोड़ा पानी डालूंगी कि थोड़ी सी पतली हो जाए ग्रेवी। तो यही मैंने मिक्सर को, जिसमें हमने इसको पेस्ट को पीसा था, उसी को थोड़ा सा धोकर इसमें डाल दिया मैंने। अब हम इसमें पनीर के टुकड़े डाल लेंगे अपने, और इसको 1-2 मिनट पकाएंगे। ये थोड़ा सा पकने लग गया है। अब हम इसमें ऐड करेंगे कसूरी मेथी। तो एज यूजुअल कसूरी मेथी को हमें थोड़ा सा तवे पर भून लेना है, हल्का सा बिल्कुल, और फिर उसको हाथ से क्रश करते हुए हम इसमें ऐड करेंगे। ये मैंने भून लिया है और इसको मैंने क्रश करके इसमें ऐड कर दिया है। और इसके में डालेंगे हम, इसको थोड़ी देर हम पहले पकाएंगे, थोड़ा सा कसूरी मेथी का फ्लेवर इसमें ऐड हो जाए। मैं इसको ढक देती हूँ। ये थोड़ा पक गया है अच्छे से, 2 मिनट हो गए हैं। इतना अच्छा कलर आ रहा है हमारे शाही पनीर का। अब हमें इसमें ऐड करना है गरम मसाला, क्योंकि सब्जी पूरी तरह पक गई है। तो अब हम इसमें ऐड कर लेंगे गरम मसाला। ये 1/2 चम्मच मैं गरम मसाला डाल रही हूँ। सब्जी आपकी बिल्कुल रेडी है, शाही पनीर। और देखिए कितनी आसानी से इसको हमने घर पर बनाया है, बिल्कुल रेस्टोरेंट स्टाइल का इसका स्वाद आता है आपको। जब आप इसे बनाओगे तो बाहर का शाही पनीर बिल्कुल भूल जाओगे आप, और इतनी आसानी से ये तैयार भी हो जाता है। इसको ज़्यादा समय ही नहीं लगता, और ग्रेवी इतनी अच्छी बनती है ये वाली, तो आप इसको ज़रूर घर पे ट्राई करिए। ये देखिए शाही पनीर रेडी है, तो इसे ज़रूर बनाइए, और मेरी रेसिपी को खूब सारे लाइक शेयर कमेंट करिए, और सब्सक्राइब करना मेरे चैनल को तो बिल्कुल मत भूलिए, और नोटिफिकेशन बेल को ज़रूर दबाइए ताकि आपको सबसे पहले नोटिफिकेशन मिल सके रेसिपी का। थैंक यू, मिलते हैं एक नई रेसिपी के साथ।